अकाल चैनल दे गुरदरबार विच हाजरी भर रही संगत ते अकाल चैनल दे समूह दर्शकां नूं दा सतिगुर सहित पते प्रवान करदा फतेह बुलाउंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला अकाल चैनल इस गल का वधाई का पात्र है कि ये जो बच्चों का अज प्रोग्राम किया, मेरा वैसे विशा तो होर सी, उस विषय पर भी बोलांगा, पर यह एक जरूरी है कि बच्चों ने कीर्तन की शुरू किया मूल मंत्र तो, समाप्ति की राज करेगा खालसा देग तेग फतेह पंथ की जीत। यह जरूरी इस करके है कि गुरु नानक की गल ही मूल मंत्र तो शुरू होनी है। असी अज जो ये कहने कि बच्चे साढ़े आखे नहीं लगते, फिर कसूर किसका? इस उम्र च बच्चों जिहड़ा जस सिखी का जसा अज आप देखिया, अगर इस उम्र च बच्चे मूल मंत्र तो लैके सिखी नाल जोड़िया जाए तो कुदरती गल आ कि बच्चे तुहाडे कहण च रहणगे। सिखी के दो सोमे जिहड़े सुकदे जा रहे आ, पहला है मापे, दूसरा है गुरद्वारे। जदों आ जिहड़े बच्चे आपां देखे आ मूल मंत्र का पाठ जिन्हां ने कीता और मूल मंत्र तो राज करेगा खालसा तक, इन्हां बच्चों नू अगर इन्हां दे मापे भी बहुत बधाई दे पात्र हन जिन्हां ने इन्हां नू इस बन्ने जोड़िया। इहदे च दो नुक्ते नोट करन वाले हन कि अज साडा समाज गुरु नानक नालों क्यों टुटा कि असी मूल मंत्र नालों ही टुट गए। जे असी 16 साल तक बच्चे नू गुरु नानक दे मूल मंत्र नाल जोड़ के सिक्खी नाल जोड़ के 16 साल तक इन्हां नू ये सिक्ख्या देईए कि सिक्खी है की, सिक्खी दीआं कदरां कीमतां की है, सिख धर्म का मूल सिक्खी है, और गुरु नानक महाराज जिहड़े आ ओह किते गए नहीं हन, ओह अज भी गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हां दी जोत हाजरा हजूर विद्यमान है। जदों असी बच्चों ये सिक्ख्या 16 साल तक दित्ती ते कुदरती गल है कि बच्चे मापिआं दा कहना भी मन्नणगे, सिक्खी नाल जुड़े भी रहणगे। इस वेले पूरे संसार अंदर जे कितें को परिवारां च सुख शांति रह सकती है, जे भाईचारियां च सुख शांति रह सकती है, तो वह सिक्खी दीआं कदरां कीमतां नूं अपना के ही रह सकती है। सो इस करके दास एक बारी फिर इन्हां बच्चों का और इन्हां दे मापिआं का और कूनर साहब का जिहड़े इन्हां नूं उत्साह दिंदे हन और भाई महिंदर सिंह जी हमदर्द जिहड़े हमेशा ही इहो जिहे जथिआं नूं उत्साह दिंदे हन, सारे वधाई दे पात्र हन। गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश पुरब दीआं जिथे दास वधाइयां दिंदा है, उत्थे एक गल साडे सतकारयोग कुलवंत सिंह ढेसी कह के गए हन कि अज गुरु नानक की सिक्खी नूं चार चपेरियों सिद्धांतक हमले भी हो रहे हैं, कुछ गुप्त रूप विच ते कुछ जेड़े उजारा भी हो रहे हैं। अकाल चैनल इस गलों भी बधाई का पात्र है कि दास नूं 7-8 साल सिक्खी की दास्तान च प्रोग्राम करदे नूं होए, इन्हां ने कदे भी दास नूं नहीं रोकिया कि सिख धर्म के सिद्धांत की आ गल करनी या नहीं करनी। जिदा कि साढ़े मानयोग ढेसी साहब ने दसिया कि ऐसा हो रहा कि आ शब्द बोलना, आ शब्द नहीं बोलना। गुरु नानक पातशाह बारे टाइम सिर्फ 10 मिनट है। असी ये देखना कि गुरु नानक है कौन। अज गुरु नानक साहब का जिहड़ा बिंब पेश किया जा रहा दुनिया के सामने, ये बिल्कुल उहदे उल्ट है जो गुरु नानक है। मूल मंत्र आपने सरवण किया, दुनिया च इको एक रैबर होया जिन्हें अकाल पुरख का सरूप अपनी लिपि तैयार करके, और लिपि भी वो जिहड़ी हर किस्म की आवाज़ नूं लिख च ढालण दे समर्थ होवे, गुरमुखी। और गुरु नानक साहब ने अकाल पुरख का सरूप जो दुनिया नूं दिता, इस तों पहलां किसी पैगंबर ने नहीं दिता। एक ओंकार तों लैके गुरप्रसाद तक अकाल पुरख का सरूप जिहड़ा यह है, तो उन्हूं प्राप्त किदां कीता जा सकता। दूसरी गल जदों आपां कहिंदे आ सतगुर नानक प्रगटिया
मिठी धुंध जग चानण होया। तो प्रगटी वो चीज़ है जिहड़ी पहला होवे पर प्रगट किसी खास समय ते होवे। तो प्रगट की होया, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, वो काल पुरख आप वो प्रगट होया और उन्होंने आके दुनिया नू जिहड़े सिद्धांत दित्ते और गुरु नानक पातशाह ने पूरी दुनिया का भ्रमण करके इस करके उन्होंने आपां जगत गुरु भी कहने हैं। लंका वर्मा चीन सारे अज वैसे एक सरदार जगजीत सिंह ढिल्लों ने किताब लिखी बाबे तारे चार जग, उहदे च जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए उन्होंने 78 देशों का जिक्र किया कि अज वो 78 देश बनते हैं जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए। दूसरी गल कि गुरु नानक साहब ने भ्रमण करके जिहड़ी लोगों उस वेले सिद्धांत दस्या वो पहलियां धर्मां नालों बिल्कुल वखरा ते न्यारा। वो क्यों? उस वेले पोप दा कौंसल ये गल सुन के हैरान आ कि गुलामां दी आजादी लई लड़ना भी एक धर्म है, क्योंकि वह गुलामी प्रथा नूं मनदे सी। और ये साखी भी वैसे आपां बहुत घट प्रचारी गई है कि गुरु साहब ने रुहेलखंड जा के गुलामों की मंडी च खुद अपने आप नूं विक के कला वरता के तो गुलाम जिहड़े सी उन्हां दी बंदखलासी कराई। दूसरे बन्ने काजी इस करके हैरान है कि गुरु नानक कहिंदे आ कि खुदा हर बंदे च वसदा, और योगी ते सिद्ध इस करके हैरान है कि गुरु नानक साहब कहिंदे आ कि मोम दे दंदां नाल लोहा चबिया जा सकदा, और ब्राह्मण हैरान नहीं वह दुखी है कि गुरु नानक ने चार वर्ण गुरसिख कर सच्चा गुरमुख पंथ चलाया। वो इस करके दुखी है क्योंकि उन्होंने धर्म च जात वर्ण वंड जी एक आधार है जिहड़ा गुरु नानक साहब ने पूर्ण तौर पर खत्म करके एक नवरा पंथ चलाया। और गुरु नानक साहब का जेड़ा फलसफा इनू एक दिन च जां एक जिंदगी च नहीं सी प्रचारिया जा सकता। गुरु नानक साहब ने 239 साल आत्मक जो जेड़ा अपना सिद्धांत आ जो तोहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए। गुरु नानक का धर्म युद्ध रबाब तो नगारे तक ते निर्मल पंथ तो खालसा पंथ तक निरंतर चलता। देखण नूं गुरु दास है लेकिन जोत एक है गुरु नानक दी। अज लोड़ है सानू इस सिद्धांत नूं प्रचारन दी कि गुरु नानक ही चदास। एक होर बेनती करे कि साढ़े कोल हर किस्म के स्रोत मौजूद है। सब तो पहला स्रोत भाई नंद लाल जी का, जिन्होंने पढ़िया उन्हां दीआं दो लिखतां हैं गंजनामा जोत बगास, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ते गुरु गोबिंद सिंह भी गुरु नानक। इस करके और भाई नंद लाल ने लिखिया भी ये सब कुछ गुरु गोबिंद सिंह की हाजरी च है। आज जिहड़ा दोहरा आप पढ़ते हैं राज करेगा खालसा, ये भी आचार्या गुरु गोबिंद सिंह ने उन्होंने कलमबंद जिहड़ा वो भाई नंद लाल ने किया। सो दास सिर्फ दो तीन यही बेनतियां करनिया सी कि जिहड़ी साडी जोत की निरंतरता है अज उस गल ते बहुत ध्यान देण दी लोड़ आ। हुण आपां देखदे हां कि गुरु नानक नूं दूजिया नवां गुरुआं नालों भी वख कर लिया और गुरु नानक नूं गुरु ग्रंथ साहिब नालों भी वख कर लिया जिहड़ा कीता ही नहीं जा सकता। जदों साडे सिधांत अनुसार दसवें जामे च आ के कह लो दशमेश पिता ने देहधारी प्रथा खत्म करके आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच कह के सानू हुक्म किया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ।
और यह शब्द गुरु की स्थापना भी गुरु नानक ने की है। जो सिद्ध उन्होंने पूछते हैं कौन गुरु जिसका तू चेला, तो गुरु नानक ने बड़ा स्पष्ट किया शब्द गुरु सुरत तुन चेला। और जदों आप देखते हैं सिद्धा ने गुरु नानक नूं जदों पूछया कि तू मोम दे दंदा ना ये लोहा किवें चब सकदा और तेरे को ऐसी कैड़ी करामात है, तो गुरु नानक साहब ने कहा सीगा कि मेरे को कोई करामात नहीं है, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। और इत्थे जदों आपां ध्यान देवांगे जिथे तक समाप्ति आउंदी है कि यह बीज भी गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ गुरु पंथ के इन्हां लफ्ज़ां राही बीजे, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। उन्होंने ये सिद्धांत भी जिहड़ा सानूं स्पष्ट कर दिता। दूसरी गल दा सिर्फ इस करके शॉर्टकट कर रहा है क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा, साढ़े सत्कार जो कवि जिन्हां नूं भी हिस्सा लेना, पर मेरा मकसद सिर्फ अज ये कहण दा कि अज लोड़ है गुरु नानक नूं असी गुरु ग्रंथ साहिब नालों और शस्त्र नालों भी अलग नहीं कर सकते। जदों गुरु नानक की जोत गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान है तो गुरु ग्रंथ साहब के सामने शस्त्र भी हैं। इस करके भी ध्यान देने वाली गल है कि गुरु नानक नूं गुरु ग्रंथ और शस्त्र दे नालों भी अलग नहीं किया जा सकता जिहड़ा कि किया जा रहा। गुरु नानक का नैरेटिव एक ऐसा सर दिता गया कि इहदा राज नाल कोई लैण देण नहीं है, इन्होंने कोई वक्रा धर्म नहीं शुरू किया, इन्होंने कोई वक्री गल नहीं की, हाले कि सब कुछ वक्री की और दुनिया ने मनी कि इन्हों का जोड़ा सिद्धांत आ वह बिल्कुल वक्रा, इस करके उन्होंने आप अज जगत गुरु कहने। सो लोड़ है अज सू सारू कि गुरु जोत की निरंतरता ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिन्ना भी अच्छा दूजी गल भी है रहत भी जी गुरु नानक ने सारी सिखी रहत भी गुरु नानक ने ही बख्शी है। अज गुरु नानक की गल करते पर सिखी रहत दी वह इं गल करते भी गुरु नानक ने कोई रहत जी दृढ़ नहीं कराई, हाले कि उन्होंने कराई। हुण मेरे को टाइम बहुत थोड़ा, वैसे जिन्नी केसा की महत्ता गुरु नानक ने सब तो पहला मक्के मदीने की गोष्ट है, कि समा लगे तो पढ़ो, उहदे विच गुरु साहब ने काजियां नूं समझाया सी कि सही सुनत जिहड़ी है वह तुहाडे वाल हुंदे आ, ते जिद्दां तूं साबत सूरत आया इदां ही तैनूं मुड़ के जाणा चाहीदा। ये मक्के मदीने की गोष्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने छपाई है, जदों कोई समा लगे वो पढ़ लो। सो दास अज सिर्फ इन्नियां बेनतियां करन लगा कि जिहड़ी गुरु नानक दा बिंब इस वेले साढ़े दुश्मनों वालों उसारिया जा रहा, सानू लोड़ उन्हों काउंटर करन दी है। गुरु नानक दी जोत गुरु ग्रंथ साहब च विद्यमान, गुरु नानक का जिहड़ा सिद्धांत है, और यह भी जदों असीं सारा ध्यान नाल देखांगे कि रह च कृपान भी गुरु की ही बख्शिश की हुई है, पहला सूखम रूप च बाद च तत् रूप च। हरगोबिंद पातशाह वेले स्थूल रूप च सामने आई, और बंदा सिंह बहादुर वेले तक किताब भी लिखी गई है कि बंदा सिंह बहादुर ते गुरु नानक दी कृपान। अज लोड़ है सानू सारियां नू कि जिदा गुरु नानक साहब दी जिहड़ा बिंब हरिंदर सिंह महबूब पढ़ो, जरूर किसी समा मिले तो पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने जिस ढंग दे नाल विपर संस्कारां तों पासे करके ते गुरु नानक दी सदीवी जिहड़ा अक्सर साढ़े सामने पेश किया, इस करके दूसरी जदों आपां एक रस्म ना बना लीए कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने आए मत्था टेकया और गुरु नानक का प्रकाश उत्सव मनाया वधाइयां दित्तियां गल मुक गई। दूजी जिहड़ी है इस वेले लोड़ है, असीं नगर कीर्तन करदे हां, बहुत बड़े बड़े चंगी गल है, नगर कीर्तन साडी परंपरा होनी चाहीदी है, पर इहदे च जो इस वेले घाट रड़कदी है वह है लिटरेचर की। कनेडा की संस्था ने गुरु नानक साहब का 550वां प्रकाश मनाया, उन्होंने बकायदा सारे सकालर के वक्रे वक्रे लेख पा के एक छोटा जिहा किताब जिहा प्रकाशित किया गुरु नानक के 550वें प्रकाश उत्सव से,
और ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਫੇ ਦਾ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡੋ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕੇ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।